बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की और वहाँ पर स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज और स्मार्ट टीवी की सहूलियात तो फराहम कर ही रहा है, उसके साथ साथ मुवासलाती खिदमात, आईटी सर्विसेज, फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर और ऑनलाइन ई कॉमर्स में भी अहम किरदार अदा कर रहा है और इसके साथ ही साथ वो नौजवानों को तरक्की करने के मौके भी फराहम कर रहा है। एंड दैट इज़ वेरी इनोवेटिव व्हेन वी टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान। और जब हम बात करते हैं यासीन वैली की तो वहाँ पर ट्रेडिशनल हैंडमेड हाउस होल्ड आइटम्स बनते हैं और हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है राजा शकील अहमद की, तो आइए चल के वो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद मैं अकबर और अपने इलाके के चंद लोगों के साथ उस्ताद गैरत ख़ान की दुकान पे मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे सकाफती विरसा है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इनका जो ना फुकदान हमें नज़र आता है, ये ख़त्म होते आ रहे हैं। तो अभी गैरत ख़ान उस्ताद ने हालिया चंद महीनों से सकाफत को दोबारा उजागर करने के लिए और इलाके के जो पुराने जो हमारे आबाओ अजदाद के इस्तेमाल करने के जो चीज़ें थे उनको दोबारा से ज़िंदा किया है, सकाफत को ज़िंदा किया है और इस मद में जो चीज़ें यहाँ पे बनाया है आप हमारे जो ना अकब में देख रहे हैं, हर किस्म का चीज़ यहाँ पर इसने बनाया है। इन चीज़ों के न होने की वजह से लोग महंगे तरीन और फैक्ट्रीज़ में बने हुए लोहे के चीज़ें इस्तेमाल करते, जिनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और दिन ब दिन मार्केट की महंगाई की वजह से उन चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। ये हमारे घर के दहलीज़ पे जो है ना सस्ते चीज़ें और हमारे रोज़मर्रा के ज़रूरत के तमाम चीज़ें यहाँ पे मुहैया करता है। भाईजान, इसको मैंने बनाया हूँ अखरोट का लकट से, बहुत सख्त लकट है। इसमें ऐसा खूबी है, सबसे पहले इसका जरासीम नहीं होता है। अच्छा, दूसरा बात, नीचे से लोहा वाला आता है ना, लोहा वाला से वो डगचा भी ख़राब हो जाता है, फिर जरासीम इंसान के अंदर उससे ज़्यादा बनता अच्छा है। खासा यहाँ पे जो ना कमाई मिल सकता है और हमारी जो ख़त्म हुई सकाफत है वो भी दोबारा ज़िंदा होती नज़र आएगी। तो तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। That's amazing, and this segment is sponsored by SEO, which is Special Communication Organization. एंड हम जब बात करते हैं हैंडमेड आइटम्स की तो हमेशा यही चीज़ प्रमोट होती है कि वहाँ के जो लोकल आर्टिसंस हैं, जो कि वहाँ के ये कहते हैं ना रिहाइश का, जो वहाँ के लोग लोकल्स हैं उनके लिए कि इनकम का सोर्स बनता है एंड व्हेन यू बाय इट ऑब्वियसली उनको एक रेवेन्यू जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है और मेरा ख्याल है जब हम गिलगित बल्तिस्तान या इस तरह किसी भी जगह पर ट्रैवल करने जाते हैं तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको एज अ सुवेनियर ज़रूर लेकर बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि वो चीज़ एक यहाँ पर भी स्टैंड आउट करती है और आपको वो अपने शहरों में वो नई चीज़ मिलती।